गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ राधिका व्लॉग्स। और पता है आपको, अभी मैं क्षितिजा के स्कूल से होके आ रही हूँ। उसका भी आज पीटीएम था, अब वो भी सेकेंड क्लास में पहुँच गई है और मैम बहुत खुश थी उसके रिज़ल्ट को देख के। अच्छा रिस्पांस रहा उसका। वो बात अलग है कि इस टाइम पे ऑनलाइन मोड में मुझे उसके साथ ज़्यादा मत्था पेची करनी पड़ी है, क्योंकि वो बिना मम्मी के ना पढ़ नहीं सकती। तो मेरे लिए इट वाज वेरी टफ टाइम। लेकिन अब ये है कि हाँ, अब ऑफलाइन जाने लग जाएगी ना, तो मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी और अच्छा रहेगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ उसकी रिपोर्ट कार्ड शेयर करूँगी, है ना। फिर आप बताना कैसा रहा उसका रिजल्ट, है ना। चलो इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैं आपको बोल रही थी ना गाइस, क्षितिजा की रिपोर्ट कार्ड शेयर करूँगी। ये देखो 96.95.67% वही है, 96%। तो शी हैज स्कोर गुड। और ये लिखा है मैम ने कि क्षितिजा के बारे में, इधर अगर आप पढ़ पाएं, ये लिखा है क्षितिजा इज़ एन एंथुसियास्टिक लर्नर एंड हर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज वेल अप्रिशिएटेड, कीप रॉकिंग। ये रहा कॉन्ग्रेचुलेशंस के ऊपर, अच्छे रिजल्ट आए हैं, सारा सब कुछ अच्छा रहा है। इसलिए विशेस तो सबकी चलती भी हैं, आपकी विशेस भी शायद साथ में चली है। जब ही हर तरफ से अच्छा अच्छा होना चाहिए, हर तरफ से अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। हमें अच्छा ही मिलता है जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, है ना। ये डेस्टिनी का रूल है, ये परमार्थ ने अब इसको फोल्ड कर दिया है। ओके चलो गाइस, अभी खबर मिली है, मतलब रीना का फ़ोन आया कि दीदी रात भर परमार्थ ने सोने नहीं दिया है और परेशान किया है। मैंने कहा मैं तो पहले ही बोल रही थी, वो बहुत छोटा है ना अभी, ही इज़ जस्ट 3 years old, वो रहा भी नहीं है मम्मी के बगैर कहीं। पहली बार गया था, वो भी बहनों को देख के उसको लग रहा था कि मैं रुक जाऊँगा, पर रुक नहीं पाया है। अब जाएंगे या देखते हैं, मनीष भैया अगर आ पाए तो मनीष भैया लेके आएंगे, क्योंकि वो रुक नहीं सकता है। इसलिए आपको बता रही थी मैंने, कहा कि वो तो देखो, फिर कल मैं आपसे कह ही रही थी कि पता नहीं रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, पर यही हुआ, जिस चीज़ का डर था वो कभी रुका नहीं, इसलिए वो रुक भी नहीं पा रहा अभी। चलो उसके लिए करती हूँ अरेंजमेंट, कैसे लेके आना है, क्या करना है। मेरा एफ्रेश अब तैयार है। आज मैं एफ्रेश के साथ चीज़ ले रही हूँ और चीज़ में थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। इट लुक्स सो यम्मी। ये एफ्रेश तैयार और यहाँ चीज़ तैयार। आइए, अगर आप खाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। यम्मी। देखते हैं परमार्थ कब तक आ रहा है। अब भैया को बोल दिया है मैंने, मनीष भैया को, वो लेके आ जाएंगे परमार्थ को। अब हम दोनों ही हैं खाने के लिए, वो खा पी के आएगा। तो सोचा मैंने कि अब पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट। और कल हमारे यहाँ पर बासोड़ा पूजा जाता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों के यहाँ पर बासोड़ा पूजा जाता है, जिसमें होता है कि पुराना एक दिन पहले का खाना ही माता रानी को, शीतला माता बोलते हैं, शीतला माता को अर्पण करना होता है और शीतला माता को चढ़ाना होता है। हमारे में मीठे चावल बनते हैं, गुड़ वाले चावल, और दही, हल्दी और चने की दाल, इन सब से पूजा जाता है। और उसके साथ साथ गुलगुले भी बनाते होते हैं, कि जो मीठे पुए होते हैं ना, कई लोग मीठे पुए बोलते हैं, कई लोग गुलगुले बोलते हैं, हम गुलगुले भी बोल देते हैं, पुए भी बोल देते हैं, तो वो बनाते हैं। देखूंगी अगर सुबह आपको उस टाइम पे, जिस टाइम पे थाली तैयार कर रही होंगी, मैं आपको ज़रूर शो करूंगी।
और दिखाऊंगी कि कैसे ये होता है, बांसुरी कैसे पूछते हैं हमारे यहाँ पर, किस तरीके से थाली सजाई जाती है, किस तरीके से क्या क्या सामान रखा जाता है। अब जब बनाऊंगी सामान, शाम को बनाना होता है, रात में मतलब जब खाना वाना हो जाता है आपका, जब बनाना होता है तो वो बनाऊंगी, फिर जब आपको दिखाऊंगी। चलो ये फटाफट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वो आ ही रहे होंगे परमार्थ और मनीष भैया। सीटी शायद सही से लगी नहीं, अभी इसको कुकर को सही से फिक्स करती हूँ मैं। साथ की साथ ना कल के मीठे चावल और वो की भी तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने गुड़ थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इस गुड़ के क्रश हुए जो पीसेज हैं उनमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा इसको गैस पे कर लूँगी, जिससे ये मेल्ट सा हो जाएगा तो इजी रहेगा पुए बनाने के लिए। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है पुए बनाने के लिए, इसी में डाल दूँगी गुड़, फिर गुलगुले बन जाएंगे, उसके बाद रह जाएंगे मीठे चावल, वो भी बना लूँगी। दो चार पूड़ियाँ भी बना सकते हैं कल पूजने के लिए, वो भी बनाऊँगी। अभी धीरे धीरे करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। गाइस मैंने कहा था ना परमार्थ आने वाला है, परमार्थ आ जाएगा, सी परमार्थ आ गया है। परमार्थ अभी फेस नहीं दिखा रहा है, कह रहा है कि नहीं अभी मैं नहीं दिखाऊँगा फेस, फेस नहीं दिखाऊँगा मैं, है ना। यू विल नॉट से हाई टू गाइस? नो। नो व्हाई? Why? Why काका? अभी ही इज़ फीलिंग शाय, उसको शर्म आ रही है कि मैं वापस आ गया ना गया तो बड़े जोश से था और वापस आ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने कल की बांसुरी की तैयारी कर ली है वो उसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं और क्या लेके जाना होता है पूजा के लिए, ये अभी दिखाती हूँ आपको। ये होते हैं मीठे चावल, गुड़ वाले चावल हैं ये, इनको बोलते हैं मीठे चावल। ये मैंने पूड़ी बना दी और ये होते हैं गुलगुले जिनकी मैं बात करती थी, जो मीठे पुए होते हैं जिनको मीठे पुए बोलते हैं वो ये हैं। और इस कुकर में ऑलरेडी मैंने सब्जी बना दी थी, मटर पनीर थी, है ना। बाद चने की दाल के साथ इसको पूजना होता है, तो चने की दाल मैंने भिगो रखी है। ये है दही जो मैंने जमा दिया है दही के साथ भी, क्योंकि इनको पूजा जाता है शीतला माता माता पर। तो ये सारी तैयारियां कल की हो गई। ये भी रख देती हूँ पताशे, पताशों के साथ भी पूजा जाता है, तो ये पताशे निकाल के मैंने इधर ही रखते हैं, कल कहीं मैं भूल ना जाऊँ। सुबह सुबह रश का टाइम होता है इसलिए कल मैं ये फटाफट कर दूँगी। यस यस यू वांट वाटर? अब परमार्थ कर रहा है आई वांट वाटर। अच्छा परमार्थ, अरे वो तो शाही फील करे जा रहा है, उसको तो लग रहा है कि मैं पता नहीं मुझे क्या शर्म आनी चाहिए, कैसी शर्म आनी चाहिए, उसको ऐसे ही लगे जा रहा है। चलो अभी पानी मांग रहा है ये, इसको पानी दे देते हैं। चलो फ्रेंड्स आज के लिए फिर इतना ही करते हैं व्लॉग और गुड नाइट करते हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठना है क्योंकि बांसुरी के लिए पूछना है ना, अर्ली मॉर्निंग ही होता है ये, मतलब सूरज उगने से पहले पहले ही पूजना होता है। तो कल सुबह मिलते हैं फिर बात करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। पर फिर मैं आपको बोलूँगी आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।